दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर रितेश मीणा और आज हम जानेंगे बकरियों में सबसे गंभीर बीमारी और जो होता है बकरी पालन में इस बीमारी के कारण सबसे ज़्यादा घाटा भी होता है। तो ये जो होता है बीमारी को पीपीआर और गोट प्लेग के नाम से भी जाना जाता है। ये जो होती है गोट में वायरस से होने वाली बीमारी है और सबसे गंभीर बीमारी है। इसमें जो होता है, मान लो आपकी जो होता है 10 गोट इस वायरस से इन्फेक्टेड हुई हैं तो उनमें से मरने की संभावना 5 की भी है, 8 की भी है, और कभी कभी जितनी इन्फेक्टेड हुई हैं वो सारी की सारी मर सकती हैं। तो आप समझ रहे हो कितनी गंभीर बीमारी है। तो हम जानेंगे कि इस जो होता है फैलती कैसे है, ये इससे जो होता है बीमारी के लक्षण क्या हैं और इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले फैलती कैसे, पहली बात तो ये वायरस से होने वाली बीमारी है। तो ये जो होता है जैसे हमें सर्दी जुकाम फैलता है, ऐसे ही जो होता है बकरियों में पीपीआई फैलता है। तो पहली बात तो जो होता है इसमें जो होता है सबसे संक्रमित होने के चांस जो होता है 1 साल तक के बच्चे में इसको जो होता है संक्रमित होने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। दूसरा, ऐसी बकरियाँ जिनमें जो होता है परजीवियों से ग्रसित हो, परजीवी वो जैसे कि कीड़े जो होता है किलनियाँ हुई, जो होता है मक्खी मच्छर हुए, इनसे फैलने के चांस भी इसमें सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर जो होता है यदि जो होता है इन्फेक्टेड गोट है तो इन्फेक्टेड गोट से जो होता है स्वस्थ गोट में फैलने के चांस बहुत ज़्यादा कम रहते हैं। जब जो होता है बकरियाँ सांप जो होता है ग्रेजिंग करती हैं तो जो होता है उसके आँख के आंसू से, जो होता है नाक के जो होता है पानी से, मुंह की लार से, इनसे फैलने के चांस सबसे ज़्यादा होते हैं। फिर जो होता है बकरियों के जो होता है गोबर से भी फैलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो हमें जो होता है इस बीमारी के लक्षण क्या है, ये तो होगा फैलना, अब बीमारी के लक्षण क्या है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो बीमारी का लक्षण है सबसे पहले तो बकरी को बहुत तेज़ बुखार होगा। जैसे ही गोट को तेज़ बुखार होता है तो वो खाना पीना कम कर देती है। उसके साथ साथ उसकी जो होता है आँख से, नाक से, मुंह से पानी आने लगता है, बकरी बार बार छींकती है। अब बुखार आने के 2 से 3 दिन बाद उसके मुंह में छाले हो जाते हैं। अब मुंह में छाले होने के कारण बकरी क्या करेगी, खाना पीना छोड़ देगी, और मुंह में छाले हैं इसी कारण से जो होता है मुंह पे क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। अब 2 से 3 दिन बाद जब जो होता है वो छाले हुए थे उनमें क्या होता है पस पड़ जाता है, तो मुंह से क्या आने लगती है, बदबू आने लगती है। इसके बाद जो होता है बकरी का जो होता है आँख खोलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि उसके आँख से लगातार पानी आता रहता है, छींकती रहती है बकरी, और उसको जो होता है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ऐसी बकरियों में जो होता है निमोनिया होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और इसके साथ साथ ऐसी बकरियों में जो होता है दस्त होते हैं, जो पीपीआर से ग्रसित बकरियाँ हैं उनमें दस्त होते हैं, और जो होता है कभी कभी आपको खूनी दस्त भी देखने को मिलेंगे। ये जो होता है इस जो पीपीआर से ग्रसित गोट में ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे, ये लक्षण कहीं ना कहीं सर्दी जुकाम से मिलते हैं। इसलिए जो होता है गोट पालक सोचता है कि उसकी बकरी को क्या हुआ है, सर्दी जुकाम हुआ है, और वो क्या करता है सर्दी जुकाम का ट्रीटमेंट करवाता है, जबकि गोट इन्फेक्टेड रहती है उसकी किससे, पीपीआर से। ये होता है जब जानकारी का अभाव रहता है तो ऐसा होता है। अब जो होता है हम क्या कर सकते हैं इसको, देखो रोकथाम कैसे कर सकते हैं। तो जो बकरी छींक या खांसती है सबसे पहले वो उनको स्वस्थ बकरी से अलग कर दें। दूसरा, वो बाड़ा जहाँ बकरियों को रखते हैं उसको जो होता है साफ स्वस्थ रखें, और जो होता है बकरियों को जो होता है परजीवी ना पलने दें, जैसे कि किलनियाँ होती हैं इन सबसे जो होता है बकरियों पर बिल्कुल भी परजीवी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बीमारी के फैलने के चांस ज़्यादा होते हैं। इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि जो होता है वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, लेकिन जो होता है किसान क्या समझता है कि वैक्सीनेशन तो कोई काम का नहीं होता, तो वैक्सीनेशन जरूर करवाना है। यदि आपको डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, पिग फार्मिंग किसी में भी सफल होना है तो सबसे महत्वपूर्ण होता है उसकी जो होता है डीवार्मिंग और वैक्सीनेशन। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जो होता है उसमें जो होता है पहले तो जो होता है जो 4 महीने से ऊपर का जो होता है गोट का बच्चा है उसकी डीवार्मिंग करवाने के बाद उसको जो होता है हम क्या करवाओ, वैक्सीनेशन करवाओ। और जो पीपीआर का वैक्सीनेशन होता है वो 3 साल में 1 बार लगवाना पड़ता है, तो
जो होता है वैक्सीनेशन से जो होता है क्या, हम इस बीमारी से जो होता है अपनी गोट की सुरक्षा कर सकते हैं। और इसके साथ ही क्या करना है, हमें स्वस्थ बकरियों को जो होता है इन्फेक्टेड बकरियों से अलग रखना है, उसके साथ जो होता है स्वस्थ खाना पीना देना। इन्फेक्टेड पानी तो हमें पीने ही नहीं देना, गंदा पानी पीने नहीं देना गोट को। गोट को जब भी पिलाएं स्वस्थ पानी पिलाएं, और जो होता है जो इन्फेक्टेड गोट है उसको जो होता है मुलायम खाने को दें, क्योंकि उसके मुँह में छाले हो जाते हैं, तो जैसे भूसा वूसा हुआ ये चीज़ें ना दें। और बाकी ये जो होता है वीडियो अधिक से अधिक जो होता है गोट फार्मर के पास पहुंचाएं, जिससे कि उनको भी पता चल सके नॉर्मल सर्दी जुकाम में और जो होता है पीपिया गोट जो होता है प्लेग के लक्षणों के बारे में, जिससे कि उनकी गोट में भी कभी हो तो वो इन लक्षणों को पहचान सकें और जो होता है अपने गोट फार्मिंग में जो होता है होने वाले घाटे से जो होता है बच सकें। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचाएं। फिर हम समय के साथ इस चैनल पर जो होता है गोट फार्मिंग के जो होता है उनकी फीडिंग क्या होगी, उनमें जो होता है कब कौन सा वैक्सीनेशन लगेगा, उनका जो होता है घर कैसा होना चाहिए, इन सब चीज़ों पर हम जो होता है वीडियो डालेंगे। तो इस वीडियो को आपको अधिक से अधिक किसानों तक पहुँचाना है। धन्यवाद।